मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंटर की टॉपर छात्रा को एक दिन का प्रधानाचार्य बनाया गया, जिसके बाद विद्यालय में उस छात्रा का स्वागत किया गया और सभी को ये संदेश देने का काम किया गया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए तो ये दिन भी आपको जरूर मिलेगा। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विद्यालय स्तर से बेहतर काम किए जा रहे हैं और छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर संदेश देने के लिए विद्यालय में कार्यक्रम भी हो रहे हैं। शहर के सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक दिन की प्रधानाचार्या और उप प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी स्कूल की टॉपर छात्राओं को दी गई, जिसके बाद विद्यालय में सभी छात्राओं द्वारा उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता जी सिंह ने सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने माता पिता के साथ विद्यालय का नाम रोशन कीजिए तो आपको भी ऐसा स्थान जरूर मिलेगा। संदेश यही है कि आप अपने लक्ष्य पर नजर रखें और कामयाबी की ओर आगे बढ़ते रहें। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता जी सिंह ने एक दिन की उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी सौंपने के बाद सभी को संबोधित करते हुए कहा, देश भर में मिशन शक्ति के कार्यक्रम संचालित है। मिशन शक्ति का जो मूल उद्देश्य है वो वेमेन एम्पावरमेंट, मतलब क्या है कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो और महिलाएं उन रक्त स्वतंत्र हो सके। इसी माध्यम में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम आज कई स्थानों में हो रहा है और उसी के अंतर्गत हमने ये प्रयास किया कि हमारे विद्यालय में भी, क्योंकि क्या है सांकेतिक अधिकारी बनाए जा रहे और सांकेतिक अधिकारी का कार्य क्या है कि जो कार्य उन्होंने देखा है कैसे होता है उस कार्य की समीक्षा की जा सके। और ये समीक्षा आज हमने अदा और प्रियंका है ना, जो मैम अदा है वो आप सबको पता है कि वो प्रिंसिपल मैम बन के खड़ी हैं। तो प्रिंसिपल मैम प्लीज आप इधर को आना एक बार जोर से ताली प्रिंसिपल मैम के लिए। और प्रिंसिपल मैम बनने का मुख्य उद्देश्य है कि इन्होंने 12th क्लास में अपने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए थे और हमने ये सोचा कि जो बहुत अच्छा है उसे हम यहाँ सम्मानित करें। और साथ ही हमारे एक वाइस प्रिंसिपल भी कॉलेज में होता है, आपको पता है जब प्रिंसिपल नहीं होते हैं तो कौन कार्य देखते हैं, वाइस प्रिंसिपल। तो एक नई सोच के साथ हमने वाइस प्रिंसिपल मैम भी बनाई हैं, जो कि प्रियंका मैम हमारे मध्य आए हैं और तालियों से उनका स्वागत करेंगे और सभी हाईएस्ट मार्क्स प्रियंका ने प्राप्त किए हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप यूं ही ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के यहाँ नहीं बुलाए गए। अब मैं ये चाहती हूँ कि उन्होंने जो सर्वोच्च अंक प्राप्त किए उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी और अभी वो क्या कर रहे हैं और आगे वो क्या करेंगे, जिससे कि आप भी समझ सकें कि आप जो अभी अध्ययनरत हैं आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कल के दिन आपको भी बहुत ऊँची उड़ान होगी। बोलने को तैयार है हाँ, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य बनी छात्राओं ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विद्यालय प्रशासन द्वारा जो हमें ये सम्मान दिया गया है, हम इसकी जितनी भी सराहना करें वह कम है। सम्मान मिला है क्या? आज मुझे प्रिंसिपल मैम द्वारा मैंने 12th और 11th में टॉप लिया था। मैं यहाँ पर अपने जूनियर्स को ये बताने आई हूँ कि मैं कैसे अपनी लाइफ में टॉप, मतलब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया डिसिप्लिन और मैनर के साथ। और मैं अपने जूनियर्स को ये भी बताने आई हूँ कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। मैं आज के दिन यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बनी हूँ और प्रिंसिपल मैम ने मुझे यहाँ बुलवाया और उन्होंने मुझे ये दिया ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ और मुझे यहाँ की वाइस प्रिंसिपल बनाया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी शायद इसी लायक हों और वो आगे बढ़ सकें।